भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अहले सुबह ड्राइवर को एक महिला के साथ धर दबोचा गया था, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना परिसर पहुंची ड्राइवर की पहली पत्नी ने जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रही महिला ने अपने अय्याश पति शिवशक्ति यादव को ऑन स्पॉट सजा देने की मांग पुलिस कर्मियों से करने लगी। हालांकि थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने हंगामा कर रही महिला को समझा बुझाकर शांत करवा दिया। जानकारी के अनुसार बांका के चमरेली निवासी मुरारी यादव के पुत्र शिवशक्ति यादव से महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, लेकिन शिवशक्ति यादव का प्रेम प्रसंग गाँव के ही एक महिला से चल रहा था, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसकी शादी अमरपुर में हुई है, लेकिन उस महिला का पति दिल्ली में रहता है, जिससे शिवशक्ति यादव का प्रेम प्रसंग जारी रहा। इस संबंध में शिवशक्ति यादव की पत्नी ने बताया कि उनका पति दिल्ली में ट्रक चलाता है। छठ पूजा के बाद उन्हें वापस दिल्ली जाने की बात कही थी, लेकिन वो उस महिला को साथ में लेकर फरार हो गया। इसी दौरान दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने वाहन जाँच के क्रम में ट्रक में बैठे दोनों को दबोच लिया। जबकि शिवशक्ति यादव के साथ गिरफ्तार लड़की के ससुर ने बताया कि पहले भी 3 से 4 बार उनकी बहू घर से भाग चुकी है। इन सब के बीच शिवशक्ति यादव की पत्नी ने तुरंत अपने पति को उस महिला को छोड़ने की बात कही। इस बात को लेकर महिला ने घंटों हंगामा भी किया। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने शिवशक्ति यादव को ऑन स्पॉट सख्त सजा देने की मांग कर रही महिला की। महिला के पिता महेंद्र यादव ने भी अपने दामाद को उसके काले कारनामों के लिए कठोर दंड देने की मांग की। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अहले सुबह ड्राइवर को एक महिला के साथ धर दबोचा गया था, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना परिसर पहुंची ड्राइवर की पहली पत्नी ने जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रही महिला ने अपने अय्याश पति शिवशक्ति यादव को ऑन स्पॉट सजा देने की मांग पुलिस कर्मियों से करने लगी। हालांकि थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने हंगामा कर रही महिला को समझा बुझाकर शांत करवा दिया। जानकारी